Hello guys, welcome to Stock Addict. Now today in this video we are going to look at four stocks which look strong on charts and you can consider these stocks for short-term gains or you can at least keep these stocks on your watch list. So the first stock is Bharat Electronics. Now we can see that Bharat Electronics is in continuous uptrend और ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है. आप देखिए इधर देन इस लेवल पे मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, इस लेवल पे इधर इधर. फिर इसने रिसेंटली अपना 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, बट अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया था. आप देखिए स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ 222 के लेवल पे. इसने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया इसको ब्रेक करने का. फाइनली मई में इसने ये अप्रैल, हम अप्रैल कह सकते हैं, अप्रैल में ये लेवल ब्रेक किया और आप देखिए 52 वीक्स हाई इसने बनाया 260 लेवल के अराउंड. उसके बाद से स्टॉक में करेक्शन आया लेकिन उसने फिर से इसी सेम लेवल से सपोर्ट लिया. अभी ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक बुलिश मोमेंटम में लग रहा है. तो आप इसको कंसिडर करिए. सपोर्ट जोन इसका 222 है लेकिन अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे थोड़ा नीचे अपना एसएल रख सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो. सेकेंड स्टॉक इज पॉलीकैब इंडिया. इसको अपन इरेज कर देते हैं सारी मार्किंग. पॉलीकैब इंडिया आप देखिए काफ़ी टाइम से साइडवेज पैटर्न में ही रहा है, इतने टाइम से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है. इसने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया है 2635 के अराउंड. करेंटली ऑल्सो देखिए अब रिसेंट टाइम में स्टॉक ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है लेकिन इसने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से भी फिर सपोर्ट लिया और उसके बाद बुलिश लग रहा है. ये स्टॉक आप देखिए जैसे ही इस लेवल पे आता है, ये जो ग्रीन जोन है ये इसका सपोर्ट जोन मैंने मार्क कर कर रखा है. ये लेवल है, अपन इसके मार्किंग्स देख लेते हैं, 2300 से 2370 के बीच में. आप देखिए जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे आता है तुरंत इसमें बाइंग आ जाती है और अच्छे स्टॉक्स में ऐसे ही होता है गाइस, ये ज़्यादा दिनों तक नीचे लेवल पे सस्टेन नहीं करते. इनमें इनको कोई ना कोई बायर मिल जाता है तो ये फिर से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं. लेकिन अगर ये स्टॉक अपना ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है. तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है. तीसरा स्टॉक है सिप्ला. सिप्ला फार्मा स्टॉक है आप देखिए, और फार्मा सेक्टर काफ़ी टाइम से साइडवेज है. कोविड के बाद से फार्मा सेक्टर ने कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं दिए हैं. आप इस सिप्ला के चार्ट में भी देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी टाइम से साइडवेज ही रहा है लेकिन ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1000 के लेवल पे. लास्ट ट्रेडिंग डे पे इसने काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए, लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि अपने रेजिस्टेंस के बहुत नज़दीक है. तो स्टॉक बुलिश तो लग रहा है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी इसको अवॉइड करिए क्योंकि जब तक ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता ये इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है. इसका सपोर्ट लेवल है 890 के अराउंड. और लास्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है. आप देखिए टाटा केमिकल्स भी अप ट्रेंड में रहा है, कंटिन्यूसली अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है. इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है अराउंड दिस लेवल, हम कह सकते हैं 1160 के अराउंड इसका 52 वीक हाई, बट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1050 के अराउंड. अब देखिए दो बार ऐसा हुआ है कि ये सेम लेवल से करेक्ट हुआ है और नीचे की तरफ गया है. अभी लेकिन रिसेंट में स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लिया है और 50 डेज मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लिया है, इसलिए बुलिश मोमेंटम में लग रहा है. लेकिन इसका सपोर्ट जोन है अराउंड 880. तो अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छी कंपनी है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं. सो गाइस इस वीडियो में ये चार स्टॉक ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए. सो गाइस बाय एंड थैंक यू.